नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र यकीरे में। तो आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। आप सभी जानते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम करता है और वो अपने प्रेम को किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता है। अब कुछ लोग तो इतने चतुर और चालाक होते हैं कि वो पोजीशन को अच्छी तरह से रीड करते हैं और उस पोजीशन को कैसे हासिल किया जाए वो अपने बुद्धि और दिमाग से, अपने व्यवहार से उसको हासिल करते हैं। वैसे दोस्तों, ये कहा गया है कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप अगर किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी अगर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो प्रेम भरा अगर आप उसके साथ निश्चल व्यवहार करेंगे तो आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। प्रेम में इतनी ताकत है, लेकिन कुछ लोग इस पोजीशन को नहीं हैंडल कर पा रहे और वो चाहते हैं कि उनका मनचाहा पर्सन या फिर उनका पार्टनर या उनका प्रेमी या फिर उनकी प्रेमिका उनके पास आ जाए। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाए और उनका जीवन एक बहुत ही अच्छा दाम्पत्य जीवन बने। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सरल और सिंपल उपाय बताने जा रहा हूं। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे ऐसी ही जानकारी आगे भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों में या रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें। शेयर करने से अगर किसी और का भला कहीं होगा तो उसका कुछ पुण्य फल आपके भी हिस्से में आएगा। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। ये क्रिया महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। आपको शुक्रवार की रात को करना है। शुक्रवार रात में अगर आप शुक्रवार को नहीं कर पाते तो सोमवार की रात को कर लें, बुधवार की रात को कर लें। आप ये इन दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत पावरफुल आपको देखने मिलेगा और बहुत जल्दी आपका काम सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक कागज पे सामने वाले व्यक्ति का या महिला का नाम लिख लेना है। नाम लिखने के लिए आप थोड़ी हल्दी लेनी है और उस हल्दी में आपको थोड़ा सा चूना ऐड कर देना है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा हल्दी में चूना ऐड कर देने से वो हल्दी का रंग बहुत पावरफुल हो जाता है, कभी नहीं छूटता है, प्लस वो रंग पीला नहीं रहता है, वो रंग बदल जाता है, वो रेड की तरफ हो जाता है। तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का दिमाग पलटना है, मन बदलना है, जिस दिशा में वो चल रहा है उसको उस दिशा से हटा के दूसरी दिशा में लाना है। तो ये काम होगा, आप हल्दी में जैसे ही चूना डालेंगे, हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी डालें और चूना डालें,
चूना जो पान में या मसाले में लोग खाते हैं तम्बाकू में, वो वाला चूना, और उसका घोल बना के उससे आप उस कागज पे उसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद उस कागज में आप अपने सर से एक बाल तोड़ लें, बिल्कुल बीचों बीच आपके सर के, जिसको अभी तो लोग चोटी रखते नहीं है, लेकिन पहले चोटी रखी जाती थी हिंदू धर्म की, या आज भी आप देखते होंगे पंडितों के या ऋषि मुनियों के चोटी होती है, तो उस जगह अगर आपके चोटी नहीं भी है तो उसी जगह से आप एक बाल तोड़ लें। बाल पूरा तोड़ना है दोस्तों जड़ से, और उस बाल को जहां आपने नाम लिखा है उस जगह पे रख के उस कागज की आपको पुड़िया बनानी, लेकिन बाल जैसे ही आप उस नाम के ऊपर रखें और उस नाम को आप 7 बार उच्चारण के साथ बोले, दोस्तों मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आपके मुंह से निकला हुआ सब ब्रह्मांड में फैल जाता है। आज जो मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं, टीवी पे आप जो भी समाचार या कोई भी मूवी ये जो भी देख रहे हैं, तो ये कैसे चल रहा है, ये सब अंतरिक्ष का ही एक हिस्सा है। तो आप 7 बार नाम बोलेंगे और जो आपके मुंह से नाम निकलेगा आपके सब, आपकी इच्छा उसके साथ ब्रह्मांड में फैल जाए, बस उस बाल को उस कागज में जिसमें नाम लिखा है उसमें पुड़िया बना के आप अपनी जेब में रख ले। वो पुड़िया ऐसे रखनी है कि आपके शरीर से टच रहे, और ये आपको 24 घंटे तक अपने साथ रखना है। जब आप नहाने या बाथरूम में जाते हैं उस समय आप उस पुड़िया को कहीं भी व्यवस्थित स्थान पर रख दें, नहा धो के स्वच्छ होने के बाद आप वापस वो पुड़िया अपने पास रख लें। जब 24 घंटे हो जाए, आप ध्यान से करें इसको, उसके बाद आपको वो पुड़िया जला देनी है, खोले बिना, बाल उसी के अंदर होना चाहिए, आप कहीं भी रख के उसको जला दें, और उसकी जो राख है उस राख को किसी फूल वाले वृक्ष में या बहते पानी में आप उसको प्रवाहित करें। राख कहीं इधर उधर फैलनी नहीं चाहिए, या तो किसी बर्तन में रख के जलाएं, व्यवस्थित जलाएं, राख बिल्कुल इधर उधर फैलनी नहीं चाहिए। बस आप जैसे ही ये जलाएंगे वो व्यक्ति सब कुछ, हर इच्छा उसकी बदल जाएगी, उसका मन बदल जाएगा, उसका दिमाग बदल जाएगा, और कंप्लीट वो आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपके पास आएगा। शादी नहीं है तो शादी होगी, अगर शादी शुदा है तो आपके पास आके वो जीवन भर आपके ही वश में रहेगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही वो व्यवहार करे, तो करते रहे। अगर कुछ ऐसा हो जो आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।